हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम फिर से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। ये चैप्टर 7 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो इसके अलावा मतलब ये जो टॉपिक है इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ही एक पार्ट है, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। ये पार्ट 1 है या वीडियो 1 है। इसके बाद मैं वीडियो 2 भी बनाऊँगी, उसमें रिमेनिंग ऑफ द टॉपिक्स आपके कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। रिमेनिंग टॉपिक्स जो आपके बचेंगे वो ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि स्ट्रेटेजिक जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होती है यानी कि आपकी एसओबी जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का आपको मीनिंग पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग होता है कि जो आपके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या बिहेवियर है लोगों का, इंडिविजुअल का, ग्रुप का एंड आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये 3 एलिमेंट की हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। अब स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम उन थ्योरीज़ की बात करते हैं या उन अप्रोचेस की बात करते हैं जो आपके एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होती है। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियोस में कि ये जो आपके मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल होता है। लेट मी चेंज द इंक, आई थिंक ये मतलब बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, जस्ट वेट्स फॉर अ सेकेंड। तो जो आपके ये 3 लेवल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, बॉटम लेवल होता है, तो इसमें कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन बोलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल रूटीन डिसीजन होते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं वो आपके एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं जो कि चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मार्केट है, मार्केट में कोई किसी तरह का फ्लक्चुएशन आ जाता है या गवर्नमेंट जो है वहाँ की उस पर्टिकुलर मतलब कंट्री की उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़े चेंज कर दिए और वो रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को। ठीक है, तो उस वजह से जो हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी या पॉलिसीज़ में जो चेंजेस लाने पड़ेंगे वो आपके पार्ट होंगे स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। तो जो सारे एप्लीकेशंस एंड थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस हम बनाते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, उसको हम स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट कहते हैं। अब स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे एसएमओ इसको बोला गया है, एसएमओ नाम दिया गया है। एसएमओ जो नाम है वो भी स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट है या स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को ही एसएमओ बोलते हैं। द एसएमओ स्पेशलाइजेशन इज डिजाइन टू स्टडी एंड रिसर्च न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम क्या करें, हम उन थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं जो हमारे रिसर्च के नए आस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं या हमारे बिजनेस के नए आस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं। दिस फील्ड फोकस ऑन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स एज यूनिट ऑफ एनालिसिस इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या हमारे पास यूनिट्स थी, पहला इंडिविजुअल था, फिर ग्रुप था, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था। एसएमओ में क्या है हमारा या एसबीओ में, एसओबी में क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा सिर्फ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ग्रुप्स जो हैं वो भी स्मॉल ग्रुप्स हैं एंड इंडिविजुअल जो है मतलब एक यूनिट ऑफ इंडिविजुअल की हम बात करेंगे। तो इन सब का जो इम्पैक्ट हो रहा है उनकी बात हम कर रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इनका इम्पैक्ट क्या है या इनको एनालाइज करके कैसे हमारी प्रैक्टिसेस इनको अफेक्ट करने वाली हैं वो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। Specific emphasis is placed on cross-cultural and intellectual implication of OB in the global environment. अब यहाँ पे हम क्या चीज़ें देखेंगे, जैसे हम जो cross-cultural implications होती हैं मतलब जैसे एक कल्चर का दूसरे कल्चर से क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है, क्या रिलेशनशिप बन रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। जैसे आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग वर्क करते हैं, तो वहाँ पे आपस में जब ये लोग इंटरेक्ट करते हैं तो उनका क्या इम्प्लीकेशन होता है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इनके कल्चर का क्या इम्पैक्ट होगा वो हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बात करते हैं उसके बारे में। उसके अलावा जो उनकी इंटेलेक्चुअल होती है मतलब जो उनकी नॉलेज होगी, जो उनकी लॉजिक्स होगी, जो उनका इंटेलिजेंस लेवल होगा, ठीक है, वो उनका क्या इम्प्लीकेशन होगा, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, ये 2 चीज़ें हम बात करेंगे एसएमओ में या फिर आप कह लीजिए एसओबी में। तो देखिए पहला टॉपिक, पहला जो आपका एलिमेंट हो गया वो हो गया क्रॉस कल्चरल, दूसरा एलिमेंट जो हो गया वो हो गया इंटेलेक्चुअल थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल इम्प्लीकेशन, इंटेलेक्चुअल आप कह सकते हैं उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो दोनों का जो इम्प्लीकेशंस होगा वो होगा आपका एसएमओ का पार्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं एसएमओ में या एसएमओ में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो पहला जो होता है कल्चर एंड पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे क्रॉस कल्चरल जो चीज़ें हैं वो सारी आ गई, ठीक है। वर्क मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन, तो जो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो जैसे उसका वर्क मोटिवेशन होगा, जो भी मतलब जो वर्क वो कर रहा है उससे क्या मोटिवेशन वो गेन कर रहा है और उससे वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये सारा फील्ड हम एसएमओ में कवर करेंगे। निगोशिएशन टेक्निक्स क्या क्या यूज़ की जाती हैं, कैसे निगोशिएट होता है, कैसे एक प्रॉपर हम निगोशिएशन सिचुएशन कैसे एक नई बना सकते हैं विद द चेंज इन द सिचुएशन इटसेल्फ, मतलब आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, उस सिचुएशन के बेस पे आपको नई पॉलिसी बनानी है रिलेटेड टू द निगोशिएशन, तो वो भी आपका एसएमओ में कवर होगा। इसके अलावा पावर एंड इन्फ्लुएंस की बात करते हैं हम, यहाँ पे स्मॉल ग्रुप आपका कवर हो गया। उसके बाद हम लीडरशिप की बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल यहाँ पे कवर हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की बात करें, अगेन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग भी एक स्ट्रेटजिक पार्ट होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग कैसे होती है, कब होती है, जब आपके यहाँ चेंजेस होते हैं या जब आपके जो मतलब बिजनेस है वो डायनेमिक्स फॉलो करता है, वो एक चेंज फॉलो करता है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की बात करते हैं। उसके बाद आपका आता है डिसीजन मेकिंग एंड टीम प्रोसेसेस। अब डिसीजन मेकिंग एंड टीम प्रोसेसेस अगेन यहाँ पे आपके स्मॉल ग्रुप्स कवर हो गए, ठीक है। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एसएचआरएम, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने डिस्कस किया, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में चेंज हो रहा है या हम आगे आने वाले अपने फ्यूचर सिचुएशन के बेसिस पे हम अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को बना रहे हैं, वो आपका स्ट्रेटजिक एचआरएम होता है। तो ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपके एसएमओ के पार्ट हैं, ये सारे ही सब्जेक्ट्स मिलाकर हम एसएमओ में को बनाते हैं या एसएमओ में या एसओबी में हम इन सारे ही सब्जेक्ट्स को फॉलो करते हैं। पर्पस क्या होता है स्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो एसएमओ स्पेशलाइजेशन का क्या पर्पस होता है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेज इन विच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड द फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फर्म परफॉर्मेंस। तो देखिए जब भी हम कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी की बात करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जब भी हम फील्ड ऑफ स्टडी की बात करते हैं, तो वो सारा ही हम ये देखने की कोशिश करते हैं कैसे वो फर्म की परफॉर्मेंस को रिएक्ट कर रहा है या इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह एसएमओ का भी वही होगा, एसएमओ हम पढ़ रहे हैं तो इसका रीज़न ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो फर्म को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है या कैसे उसके सारे फंक्शंस हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू स्टडी कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरमेंट, स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज एंड कंपैटिबिलिटी। अब हमारे जो मतलब कंपनी है उसका एक्सटर्नल एनवायरमेंट कैसा है, उसकी स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज कैसी है और कंपैटिबिलिटी कैसी है, ये सारा भी हम एसएमओ में पढ़ते हैं। ये सारा हम एसएमओ के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कैसे जो कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरमेंट है किस एनवायरमेंट में वो डील कर रहा है, कैसे स्ट्रेटजिक रिसोर्सेज वहाँ पर यूज़ हो रही हैं और क्या कंपैटिबिलिटी है, ये सारा कुछ हम एसएमओ के थ्रू ही जान पाते हैं। टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम द फाउंडेशन। अब अगेन हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल लेवल पढ़ते हैं और स्मॉल ग्रुप्स की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारा चीज़ कैसे फाउंडेशन से कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे फॉर्मेशन हो रही है वहाँ पर, ये सारा कुछ हम एसएमओ में पढ़ेंगे। टू एनालाइज मैनेजमेंट डिसीजन दैट हैव ए फंडामेंटल इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड डिसीजन। अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हो रही है, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। अब जब सिचुएशंस चेंज होती हैं वहाँ पे कैसे हमारी जो पॉलिसीज़ हैं या हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे उनको इम्पैक्ट करने वाली हैं और कैसे ये फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को शेप करने वाली है, ये सारा ही हम एसएमओ पढ़ेंगे। तो मैंने अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि जो कस्टमर है उसकी चॉइस चेंज हो रही है, ठीक है। पहले कस्टमर क्या था, पहले कस्टमर को चॉकलेट्स खाना पसंद था, ठीक है। अब क्या है, अब कस्टमर ने चॉकलेट खाना नहीं पसंद है उसको, वो हेल्दी बार्स में यकीन करने लगा है, ठीक है। बार्स जो कि ओट मील्स के बने हों, बार्स जो कि मतलब आपके मिलेट्स के बने हों, ठीक है। तो अब कंपनी ने जब देखा कि ये एक एनालिसिस कर रही है कंपनी की, उसका जो प्रेफरेंस एंड टेस्ट है वो चेंज हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेगी और फ्यूचर में वो पॉलिसीज़ कैसे उसको इम्पैक्ट करने वाली, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना उसके पास इनकम होगी, ये सारा कुछ किस पे बेस्ड है, ये आपके इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर बेस्ड है कि कंपनी अब चॉकलेट नहीं प्रोड्यूस करेगी, इन कंपेरिजन ऑफ चॉकलेट अब कंपनी बनाएगी हेल्दी बार्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें हम एसएमओ के यूज़ करके एसएमओ की एनालिसिस को यूज़ करके हम एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपके टॉपिक्स क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंक्लूड होती है, मतलब जो टॉप लेवल पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन में वो आपका इंक्लूड होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूज़ होती है, मतलब इसको इंक्लूड होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि आप कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न कर रहे हो, कैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, वो सारा कुछ आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। फर्म की परफॉर्मेंस क्या कैसी है, मतलब जो गोल्स है ऑब्जेक्टिव्स है वो फर्म अचीव कर पा रही है या नहीं अचीव कर पा रही है, ये हो गया आपका। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अगेन यहाँ पे जो टॉप लेवल है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाती है काफ़ी हद तक। देखिए जो इसका होता है मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप कह सकते हो एक ही डायग्राम है, ठीक है। इतने डिसीजन जो आपके हैं ये आपके स्ट्रेटजिक डिसीजन हैं टॉप लेवल के, फिर मिडिल लेवल के इतने डिसीजन आपके स्ट्रेटजिक हैं और इतने आपके लोअर लेवल के स्ट्रेटजिक हैं। मतलब टॉप लेवल जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिक डिसीजन बनाता है, मिडिल लेवल उससे कम बनाता है एंड लोअर लेवल सबसे कम स्ट्रेटजिक डिसीजन बनाता है। बाकी आपके जो डिसीजंस होते हैं वो आपके रूटीन डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजिक डिसीजन प्रोसेस होती है, मेकिंग प्रोसेस होती है, ये भी आपकी स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ही पार्ट होती है। थ्योरी ऑफ फर्म, जो आपकी ओवरऑल जो फर्म है वो कैसा बिहेव करेगी, कैसे नहीं बिहेव करेगी, कैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी ग्रोथ होगी, कैसे वो उसकी स्टेबिलिटी होगी, कैसे वो डिक्लाइन करेगी, ये सारा कुछ आपका थ्योरी ऑफ फर्म में आता है। टॉप मैनेजमेंट के टीम प्रोसेसेस कैसे हैं, कैसे वहाँ पे फंक्शनिंग चल रही है, ये सारा कुछ भी आपके स्ट्रेटजिक डिसीजन का या स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ही पार्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जब हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल सिस्टम दैट कम्बाइंस साइंस, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है सोशल सिस्टम होती है जिसमें साइंस, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी सारी चीज़ें कवर होती हैं। साइंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। पीपल, ये आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट आ गया, जितने ही लोग वहाँ पे कंपनी में एम्प्लॉयड है। टेक्नोलॉजी आपका हो गया कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी आपकी हो गई वो सारी ये सिचुएशन जो बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करी है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अटैचमेंट एक कंपनी का है विद द एनवायरमेंट, वो सारा आपका ह्यूमैनिटी में आ गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट है। स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ये कॉन्सेप्ट है बेसिक। उसके बाद आपका ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इज रेदर अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज ऑफ पीपल्स डीप डाउन नीड्स एंड वैल्यू सिस्टम, दैट इज वाई देयर इज नो आइडियलिस्टिक सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। अब हम क्यों बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम का कोई भी आइडियलिस्टिक सोल्यूशन नहीं होता है और हमें हमेशा सिचुएशन के साथ साथ अपने सोल्यूशंस को चेंज करना पड़ता है। सिचुएशन के साथ वेल सूटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो वेल सूटेड होने चाहिए विद द सिचुएशन इटसेल्फ। तो इसका रीज़न ये है कि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है और उस ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को समझें, हम लोगों के पैटर्न को समझें, उनके बिहेवियर के पैटर्न को समझें। ओबी इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप एंड द स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में हमें पता है ऑलरेडी कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है उसकी जो वो फील्ड ऑफ स्टडी ऐसी है जहाँ पर हम इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उनका जो आपस का इंटरेक्शन होता है वो कैसे इम्पैक्ट करने वाला है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ये हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। Okay, it is a study and application of knowledge about how people act within organization. अब देखिए मैंने इतने सारे पॉइंट्स क्यों दिए हुए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए, और ये अगर मैंने 10 पॉइंट कवर किए तो ऑलमोस्ट 2-3 तो पॉइंट आपको माइंड में आ ही जाएगा कि ये आपको लिखना है या इस तरीके से आप अपने आंसर्स को फ्रेम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये आपकी स्टडी है एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है जहाँ पे हम ये बताते हैं कि कैसे लोग एक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। ह्यूमन टूल है फॉर ह्यूमन बेनिफिट। अब ह्यूमन टूल है इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी ह्यूमन के थ्रू ही क्रिएट किया गया है और किसके बेनिफिट में यूज़ किया जा रहा है? ह्यूमन के बेनिफिट में यूज़ किया जा रहा है। इट कवर्स 3 डिटर्मिनेंट्स, इसके 3 डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर, जो कि ओबी के होते हैं। वही सेम 3 डिटर्मिनेंट्स भी आपके स्ट्रेटजिक ओबी के भी होंगे। इट अप्लाइज द नॉलेज गेन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन बिहेवियर इन ऑर्डर टू मेक ऑर्गेनाइजेशन वर्क मोर इफेक्टिवली। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते थे कि जो नॉलेज इंडिविजुअल की नॉलेज है या स्ट्रक्चर की नॉलेज है उनके बिहेवियर में कैसे चेंज आ रहा है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क इफेक्टिवली, ये हम यहाँ पे इसमें स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में करते हैं। Organization as a purposeful system with several subsystems where individual and activities are organized to achieve certain predetermined goals through division of labor and coordination of activities। तो हमें ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, ठीक है। उस सिस्टम में क्या है, बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं आपके, जो कि इंडिविजुअल हैं, एक्टिविटीज़ हैं, या फिर उनको इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज किया है कि आपस में इंटरएक्टेड है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है। और क्यों हमने ऐसा किया है, ताकि हम उनको जो हमारे प्री डिटरमाइंड अचीव गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाए, ठीक है। ये सारा आपका सेटअप हो गया स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, जहाँ पे हम स्ट्रेटेजिकली अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं सो दैट वी कैन बी एबल टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, तो पहला एलिमेंट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसके बारे में हमें पता है। दूसरा एलिमेंट होता है आपका मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को मैनेज करने वाले हैं, ये आपका दूसरा बेसिक एलिमेंट होता है। उसके बाद आपका तीसरा होता है स्ट्रेटेजिक ओबी अप्रोचेस, जो अप्रोचेस हम लगाते हैं जिनके थ्रू हम मैनेज करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। वो सारी चीज़ें, अप्रोचेस, ये तीनों ही एलिमेंट आपके स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पार्ट हैं। तो अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अप्रोचेस। ओके, तो ये आपके तीन बेसिक एलिमेंट्स हो गए स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, इसकी बेसिक मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है, क्या एलिमेंट्स होते हैं इसके, और क्या पर्पस होता है स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ने का। आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।